Assalamu alaikum. We have already covered chapter number 1 and chapter number 2 of unit C, the Holy Quran and love for Allah and His Prophet. Now we're going to start chapter number 3, obligation to acquire knowledge and its excellence. यानी कि इल्म फर्ज, इल्म हासिल करना फर्ज किया गया है और उसकी क्या खूबी है कि क्यों फर्ज किया गया था वो. Knowledge means the facts, skills and understanding that you have gained through learning or experience. इल्म उन तमाम चीज़ों को कहते हैं जो फैक्ट्स हो यानी जो सच हो. स्किल्स यानी कि जो आपने हुनर हासिल किया है, जो आपने हुनर सीखा है. अंडरस्टैंडिंग जो चीज़ें आपको समझ में आई हैं, किस तरीके से आप हासिल करते हैं तीनों चीज़ें. लर्निंग से यानी आपको या तो फॉर्मल तरीके से सिखाया जाता है या फिर आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू यानी आप किसी चीज़ से गुजरते हैं, किसी लम्हे से गुजरते हैं, किसी सिचुएशन से गुजरते हैं, तो उस सिचुएशन से जो आप सबक हासिल करते हैं वो तमाम चीज़ें आपके नॉलेज में रहती हैं. Almighty Allah has bestowed many favors on mankind. खुदा ने इंसानों पे बहुत सारे एहसानात किए हैं. One of these favor is that he enabled man to acquire knowledge. उसमें से एक एहसान ये हम पे किया गया है कि हम इंसान जो हैं इल्म हासिल कर सकते हैं. The first revelation that Allah sent to the Holy Prophet was Surah Al-Alaq, Ayat 1 to 5. Read in the name of thy Lord who created. He created man from a clot of blood. Read, and thy Lord is the most bounteous. He who taught by the pen, he who taught man that which he knew not. पढ़ो खुदा के नाम से जिसने तुम्हें बनाया, खल्क किया, जिसने इंसान को खून के कतरे से तैयार किया, उस खुदा के नाम से पढ़ो जो बहुत एहसान देने वाला है, जिसने कलम से तुम्हें सिखाया और इंसानों को वो सिखाया जो उसे मालूम नहीं था. यानी कि यहाँ पे सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई थी सूरह अलग की आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 5 तक 5 आयतें नाजिल हुई थी. सबसे पहली आयत ये नाजिल हुई थी, तो इसका मतलब ये है कि इल्म की इतनी अहमियत है इस्लाम के अंदर कि उस जब इस्लाम के लिए जब पहला आयत जब नाजिल किया गया नबी के ऊपर, तो उसमें सबसे पहले इल्म के बारे में नाजिल किया गया. बताया गया कि खुदा ने जो है इंसान को तो बनाया खून के कतरे से और उनको वो सिखाया जो उसे खबर नहीं थी. यानी कि ये असल में उस वाक़े की तरफ बताया जा रहा है जब हज़रत आदम को खल्क किया गया था और जो है तमाम फरिश्तों के सामने लाया गया था. फरिश्तों को कहा गया था बताओ इन चीज़ों का नाम क्या है, तो फरिश्तों ने कह दिया कि या खुदा हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता इन चीज़ों का नाम, हमें इल्म नहीं है ये, क्योंकि आपने इल्म नहीं दिया. हज़रत आदम को जब कहा गया कि बताओ इन चीज़ों का नाम, तो उन्होंने बाकायदा सारी चीज़ों का इल्म उन्होंने बताया कि ये चीज़ें इनकी ये नाम है. तो इस इल्म की वजह से जो फरिश्तों के पास नहीं था, उस इल्म की वजह से फरिश्तों को, जिन्नात को, तमाम मखलूक़ात को कहा गया कि इंसानों के सामने झुको, उनके सामने सजदा करो. हज़रत आदम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया गया. यानी कि चाहे कोई फरिश्ता हो, जिन हो, वो सब इंसान के नीचे आते हैं, लेवल में, रैंक्स में इंसान तमाम मखलूक़ात के ऊपर आता है, इसलिए उनको अशरफुल मखलूक़ात कहा गया. अब वो उस लेवल पर कैसे पहुँचता है? जब वो इल्म हासिल करता है. अगर वो इल्म हासिल नहीं करता तो वो उस लेवल पे नहीं पहुँचता, उस अशरफुल मखलूक़ात के लेवल पे वो नहीं पहुँच पाता जब तक वो इल्म हासिल नहीं करेगा. तो यहाँ पे उन्होंने सबसे पहले इल्म का उन्होंने अहमियत बता दी खुदा ने कि इल्म की कितनी अहमियत है इस्लाम के अंदर. देयर इज़ अ सेइंग ऑफ द होली प्रॉफिट, यानी हदीस है. दिस सेइंग ऑफ द होली प्रॉफिट मीन्स दैट टू सीक नॉलेज इज़ अ ड्यूटी ऑफ एवरी मुस्लिम मेल एंड फीमेल. यानी कि होली प्रॉफिट की एक हदीस है जिसमें कहा गया है तलबुल इल्म, तलब मीन्स हासिल करना, किसी चीज़ को हासिल करना, जैसे उर्दू और सिंधी में होता है तलब करना किसी चीज़ को. इल्म यानी कि नॉलेज. फरीजतुन यानी हमारे पास उर्दू सिंधी में फ़र्ज़ किया गया है. अला कुल्ले मुस्लिमीन, कुल्ले मीन्स ऑल, मुस्लिम मीन्स मुसलमान, चाहे मर्द हो या औरत हो, तमाम मुसलमानों पे इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है. जिस तरह से पाँच वक्त नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, वैसे ही इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है. इल्म हासिल करने की बात हो रही है तो यहाँ पर शुरू में बता दिया फैक्ट्स यानी सच्चाई, सच को ढूंढना, सच के बारे में जानना, सच के बारे में रिसर्च करना, दैट इज़ नॉलेज. एक्सपीरियंस के थ्रू आपकी जो लर्निंग हो रही है यानी कि आपकी न्यू चीज़ें जो है ट्राई करना होता है. एंड अंडरस्टैंडिंग यानी समझ, यानी जो चीज़ आप सीख रहे हैं, जो चीज़ आपको फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू मिल रहा है, उस चीज़ को समझना, ये तमाम चीज़ें नॉलेज में आती हैं. किसी चीज़ का रट्टा लगाना वो नॉलेज में नहीं आता. किसी चीज़ को समझना, उससे सबक हासिल करना, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, तमाम चीज़ें आ जाती हैं नॉलेज के अंदर. तो इस तरह से आप अपने फ़र्ज़ को निभा सकते हैं. विदाउट नॉलेज यू कैनॉट ट्रांसलेट योर आइडिया इनटू एक्शन. देयरफॉर अ मुस्लिम शुड नॉट शो एनी नेग्लिजेंस इन एक्वायरिंग नॉलेज. बगैर किसी नॉलेज के आप अपने आइडिया को, अपने थॉट्स को, अपने ख्यालात को एक्शंस में तब्दील नहीं कर सकते। लेट्स सपोज ले लेते हैं एग्जांपल कि एक इंसान को नमाज पढ़ना है लेकिन उसे इल्म नहीं है कि नमाज कैसे पढ़ी जाती है, तो वो अपने ख्यालात को एक्शंस में नहीं ला सकता। इसी तरीके से अगर लेट्स सपोज किसी इंसान के पास इल्म नहीं है, वो पढ़ना नहीं जानता, तो वो कुरान नहीं पढ़ सकता। वो पढ़ना चाह रहा है, वो ख्यालात में पढ़ना चाह रहा है, उसके आइडिया है कि वो पढ़ना चाह रहा है, लेकिन क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है, उसको पढ़ाई लिखे का इतना इल्म नहीं है, तो वो अपने एक्शंस में तब्दील नहीं कर सकता उस चीज़ को। इसी तरीके से इसी वजह से कहा गया कि मुसलमानों को नेग्लिजेंस यानी कि वो इररिस्पॉन्सिबिलिटी शो नहीं कर सकता। अगर एक मुसलमान नॉलेज हासिल करने के, इल्म हासिल करने के लिए नेग्लिजेंस शो कर रहा है, तो वो मुसलमान कहलाने के लायक नहीं, क्योंकि वो फ़र्ज़ अपना पूरा नहीं कर रहा। यानी कि हम लोग इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते रिगार्डिंग नॉलेज। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज। मैन इज अ विसर्जेंट ऑफ अल्लाह ऑन द अर्थ, यानी ज़मीन के ऊपर अल्लाह का जो खलीफा है वो इंसान है। Among all the creatures of the man, among all the creatures of the world, man holds the eminent status only due to knowledge. दुनिया में जितने भी मखलूक़ात हैं, कायनात के अंदर जितने भी मखलूक़ात हैं, खुदा ने जितने भी मखलूक़ात बनाए हैं, उसमें से इंसान को एमिनेंट स्टेटस यानी सबसे बड़ा स्टेटस दिया गया। अशरफुल मखलूक़ात, अशरफ यानी बेहतर, बढ़तर, सबसे बेहतरीन, उसको इंग्लिश में एमिनेंट कहते हैं। तो उसको स्टेटस, एमिनेंट स्टेटस क्यों दिया गया? सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसके पास ओनली ड्यू टू नॉलेज। इल्म है तो अशरफुल मखलूक़ात है, इल्म नहीं है तो ही इज़ नॉट एन अशरफुल मखलूक़ात। यहाँ पर उन्होंने सिंपली बता दिया गया है कि इल्म की मौजूदगी की वजह से एक इंसान अशरफुल मखलूक़ात कहलाया जा सकता है। द एंजल्स वर कमांडेड बाय अल्लाह टू प्रोस्ट्रेट, फरिश्तों को कहा गया, हुक्म दिया गया, खुदा ने हुक्म दिया कि इंसान के सामने सजदा करो, प्रोस्ट्रेट करो। ठीक है, प्रोस्ट्रेट मतलब सजदा करना। themselves before man because he was blessed with knowledge, क्योंकि उसे इल्म दिया गया था। सिर्फ इल्म की बुनियाद पे इंसानों के सामने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि आप इनके सामने सजदा करो। therefore the greatness of man is based on the acquisition of knowledge। इसी वजह से एक इंसान की ग्रेटनेस, वो कितना बेहतर इंसान है, वो डिपेंड करता है कि उसकी नॉलेज कितनी है, वो उस नॉलेज के ऊपर, इल्म के ऊपर कितना अपना एक्शन शो कर रहा है। दैट इज ऑल अबाउट द ग्रेटनेस ऑफ मैन। द होली प्रॉफिट वंस सेड अबाउट हिमसेल्फ, आई हैव बीन सेंट एज अ टीचर। एक हदीस है कि नबी ने खुद फरमाया है कि मुझे यहाँ पे एज अ मौलम के तौर पे, एक टीचर के तौर पे भेजा गया है। ठीक है, बाहैसियत उनको मौलम के तौर पे भेजा गया है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज नॉलेज द होली प्रॉफिट यूज्ड टू रिसाइट द प्रेयर रब्बी जिदनी इल्मा, दिस मीन्स ओ माई लॉर्ड ऐड टू माई नॉलेज। यानी कि इवन नबी ने भी अपने लिए दुआ मांगते थे। सूरत आहा की ये आयत है, इसमें दुआ मांगते थे कि या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ठीक है, यानी इतनी है तो इस नबी को डायरेक्टली खुदा की तरफ से नबूवत आई है, जिस नबी के पास खुदा की तरफ से डायरेक्टली वही नासिल होती थी, उसके बावजूद जो है नबी दुआ मांगते थे कि या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। तो इससे पता चलता है कि इल्म इतना ज़्यादा वास्ट है, इतना ज़्यादा बड़ा है, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि इवन जिसको खुदा खुद जो है गाइड कर रहा है, वो खुद दुआ मांग रहा है कि या अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। स्प्रेड ऑफ नॉलेज इन द एरा ऑफ प्रॉफिटहुड, यानी नबी ने अपने वक्त में अपने एक्शंस के थ्रू किस तरीके से इल्म को फैलाया। बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, एडवेंट का मतलब है आना, किसी चीज़ की शुरुआत होना, यानी इस्लाम के आने से पहले देवर अ वेरी फ्यू पीपल हु कुड रीड एंड राइट, यानी बहुत कम लोग ऐसे थे जो लिख सकते थे और पढ़ सकते थे। द होली प्रॉफिट एडवाइज द मुस्लिम्स टू गेट देमसेल्फ एजुकेटेड एंड इंक्रीज देयर नॉलेज। नबी ने मुसलमानों को सलाह दी, एडवाइस किया उनको कि आप लोग भी तालीम हासिल करें और अपने इल्म में इजाफा फरमाएं। He made education compulsory not only for men but also for women. उन्होंने जो तालीम है, जो इल्म है, वो सिर्फ मर्दों पे फ़र्ज़ नहीं किया बल्कि औरतों पे भी फ़र्ज़ किया। He said to seek knowledge is a duty of every Muslim male and Muslim woman. उन्होंने फरमाया, नबी ने फरमाया कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द एंड औरत पे, दोनों पे फ़र्ज़ है। In the Battle of Badr, the Muslim caught some non-believers as a prisoners of war. The Holy Prophet made it a condition that a prisoner must teach 10 children of Muslims to read and write in order to get freedom. अब इसमें क्या हुआ, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, उन्होंने नबी के अपने एक्शंस के थ्रू, सुन्नत के थ्रू, कि गज़वा बदर में क्या हुआ, जो पहली जंग हुई थी नबी के वक्त में, नबी के जो नबी मदीना पहुंचे थे तो उसके बाद जो पहली जंग जो मक्का से लड़ी गई थी वो गज़वा बदर है, ठीक है। तो उस गज़वा बदर में जो कैदी पकड़े गए थे, जो नॉन बिलीवर्स डिसबिलीवर्स पकड़े गए थे, कैदी पकड़े गए थे, तो उनके साथ शर्त रखा गया था कि तुम जो हो अगर मुसलमानों के 10 बच्चों को पढ़ाओगे तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। यानी उनकी जो फ्रीडम है, उनकी जो आज़ादी की कीमत लगाई गई थी वो ये थी कि उनको कोई भी 10 मुसलमान बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाना है, उनको जो है लिखना भी आना चाहिए, उनको पढ़ना भी आना चाहिए, तो उनको रिहा कर दिया जाएगा। उनसे कोई पैसे का बेल पेमेंट जो होती है, बेल मनी जो होता है वो नहीं लिया जाएगा, उनको सिर्फ दे टू टीच 10 चिल्ड्रन। अब इससे क्या पता चलता है, नबी ने अपने एक्शंस के थ्रू बता दिया कि इल्म जब बात की जा रही है तो यहाँ पे सिर्फ इस्लामिक नॉलेज की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे मॉडर्न नॉलेज की बात की जा रही है। भला एक डिसबिलीवर किस तरह से मुसलमानों को पढ़ा सकता है, अगर वो मुसलमानों को रीड एंड राइट करना सिखा रहा है, अगर वो मुसलमानों को तालीम दे रहा है, इल्म दे रहा है, तो ऑफकोर्स वो मॉडर्न नॉलेज ही दे रहा होगा, वो इस्लामिक नॉलेज तो नहीं दे सकता ना उस वक्त में, क्योंकि इस्लाम तो एक तो पहली बात वो न्यूली उस वक्त आया था, यानी मुसलमान अभी तक नबी के ऊपर जो वही है वो नाजिल होती जा रही थी, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था सिलसिला वही का, तो यानी कि इस्लामिक नॉलेज तो डिसबिलीवर नहीं दे सकता था। तो यानी कि डिसबिलीवर्स को जो शर्त दी गई थी कि मुसलमानों के बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाए, उसको तालीम दे, इल्म दे, तो यहाँ पे मॉडर्न नॉलेज की बात की जा रही है। तो यानी जो नबी ने अपने एक्शंस के थ्रू बता दिया है कि मुसलमानों को सिर्फ कुरान के नॉलेज नहीं, सिर्फ इस्लामिक नॉलेज नहीं, मॉडर्न नॉलेज का भी पता होना चाहिए, क्योंकि आप कुरान तब तक नहीं समझ सकते जब तक आपके पास मॉडर्न नॉलेज ना हो। लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि कुरान में लिखा हुआ है कि ज़मीन के 7 लेयर्स हैं। अब आपको क्या समझ में आएगा 7 लेयर्स है, अगर आप लोगों ने खुद साइंस नहीं पढ़ा हुआ हो, अगर आपने ज्योग्राफी ना पढ़ा हो, या अगर लिखा हुआ है कि आसमानों में 7 आसमाने हैं, आप लोगों ने एसएससी में पढ़ा हुआ है ना 7 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, तो ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, कुरान समझ में नहीं आएगा इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ मॉडर्न, इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ साइंस, इफ़ यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ साइंस आपको कुरान का कोई भी आयत समझ में नहीं आएगा। इसके अलावा क्या होता है, मॉडर्न नॉलेज में क्या होता है, मैथमेटिक्स आ जाता है, ठीक है। अगर आपको मैथमेटिक्स की नॉलेज नहीं है, आपको ये कैसे पता चलेगा कि 3 रिकत का क्या मतलब है, 2nd रिकत का क्या मतलब है, 4 रिकत का क्या मतलब है, ठीक है। इसी तरीके से अब जैसे कहा जाता है कि 2nd रिकत में जो है दुआ के लिए हाथ उठाना पड़ता है, तो आप गिनेंगे कैसे कि आपके पास मैथ्स की नॉलेज नहीं है। यानी कुरान को आप बगैर मॉडर्न नॉलेज के नहीं समझ सकते। अगर आपको कुरान समझना है, यू हैव टू एजुकेट योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न वर्ल्ड। अपने आप को सिर्फ इस्लामिक नॉलेज के या सिर्फ कुरान से आप इल्म अगर हासिल कर सकते थे, तो नबी जो है डिसबिलीवर्स को अपने एक्शंस के थ्रू ये शो नहीं करता कि डिसबिलीवर को कहा गया कि आप मुसलमानों के बच्चों को पढ़ाओ, अगर सिर्फ इस्लामिक नॉलेज काफ़ी होता। इस्लामिक नॉलेज को समझने के लिए, कुरान के नॉलेज को समझने के लिए वी हैव टू हैव मॉडर्न नॉलेज। तो ये चीज़ नबी ने अपने पहली जंग में जब प्रिजनर को कहा गया कि तुम्हारी जो रिहाई तब होगी जब तुम मुसलमानों के 10 बच्चों को पढ़ाओगे, ये उन्होंने इस एक्शन से शो कर दिया। He also said knowledge and wisdom is the lost wealth of a believer. Knowledge ilm, wisdom अकल, ये मुसलमानों की, believers की, मोमिन की खोई हुई माल है। यानी कि अगर मुसलमान जो है वो विजडम और नॉलेज का हिस्सा नहीं बन जाता, वो उनसे वो खो जाता है, वो अपना होता है लाइक माल, उसका सबसे जो कीमती माल है मुसलमानों के लिए, मोमिन के लिए, वो नॉलेज एंड विजडम है। He must try to acquire it wherever he finds it because he deserves it most. यानी कि कहीं से भी मिले, जिसे आप लोगों ने हदीस सुना हुआ होगा, इल्म हासिल करो चाहे चीन ही क्यों ना जाना पड़े। यानी कि चीन क्योंकि सऊदी से बहुत दूर है, अरब से बहुत दूर है, तो इसलिए नबी की ये हदीस है कि इल्म हासिल करो चाहे चीन क्यों जाना पड़े। यानी कि अगर आप इल्म हासिल करने के लिए आपको अपना घर छोड़ना पड़े, अगर आपको हिजरत करना पड़े, अगर आपको मुहाजिर क्यों ना बनना पड़े, आप इल्म के लिए अपना घर बार छोड़ दो, लेकिन इल्म हासिल करना है। यहाँ तक कि ये कह दिया इल्म हासिल करो फ्रॉम द क्रैडल टू ग्रेव, यानी अपने पैदाइश से लेकर अपने मौत तक, तो तुम कब्र में पहुंचे तब तक इल्म हासिल करते रहो। इल्म के लिए कोई उन्होंने एज नहीं लिमिट किया गया, इल्म हमें हासिल करना है एनी हाउ। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मुस्लिम टू एक्वायर नॉलेज बिकॉज ही कैनॉट लीड अ सक्सेसफुल लाइफ विदाउट शोइंग प्रोफिशिएंसी इन द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। एक मुसलमान के लिए इल्म हासिल करना इसलिए फ़र्ज़ किया गया है क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारा नहीं कर सकता अगर उसको डिफरेंट ब्रांचेस नॉलेज की डिफरेंट शाखों का इल्म ना हो। यानी डिफरेंट शाखाएँ क्या मतलब, डिफरेंट शाखाएँ यानी जो सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक साइंस हो गया, सोशल स्टडीज़ हो गया, ज्योग्राफी हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, लैंग्वेजेस हो गया, तो इसका जो है क्या है कि आपको अगर ये डिफरेंट जो शाख है नॉलेज की, डिफरेंट ब्रांचेस है नॉलेज की, अगर आपको इसका इल्म नहीं होगा तो आप अपनी ज़िंदगी सक्सेसफुल नहीं गुजारोगे। इस्लाम इज नॉट ओनली अ कोड ऑफ प्रेयर, इस्लाम में सिर्फ नमाज का नहीं कहा गया इस्लाम, बट ऑल्सो कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, बल्कि कहा गया है कि इस्लाम पूरा ज़िंदगी का तर्ज पूरा बताता है कि ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए। सिर्फ नमाज इस्लाम के अंदर नहीं है, इस्लाम के अंदर और भी चीज़ें हैं। इस्लाम पूरी ज़िंदगी बसर करने का तरीका सिखाता है। That is why it enjoins on the Muslims to get themselves educated in all the fields of knowledge such as philosophy, history, geography, science, nutrition. यानी इसलिए मुसलमानों पे फ़र्ज़ किया गया है कि जितना हो सके, जितने fields of knowledge, जितने शाखें आपको पता हो knowledge के बारे में, जितना आपके पास इल्म हो उतना बेहतर है। चाहे वो फ़लसफ़ा क्यों ना हो, philosophy क्यों ना हो, क्योंकि philosophy में बहुत deep thoughts होते हैं। History क्यों? क्योंकि जो हमसे पहले जो लोग आए थे उन्होंने क्या गलतियाँ की, उन गलतियों की वजह से उनको क्या भुगतना पड़ा, उनकी गलतियों से सीखना मुसलमानों पे फ़र्ज किया गया है। ज्योग्राफी, ताकि उनको पता चले कि कौन सी चीज़ कहाँ मौजूद है, दुनिया के कौन से कोने मौजूद है। अगला सपोज किसी को जो है पेट्रोलियम का बिजनेस करना है तो ज्योग्राफी मालूम होगा तो उसको पता चलेगा कि पेट्रोलियम का बिजनेस कहाँ, आपके कौन से इलाके में बेहतर है। वरना ऐसे सोचिए अगर आप पेट्रोलियम का बिजनेस करना चाह रहे हैं और उस इलाके में पेट्रोल ही नहीं है तो कैसे करेंगे आप? ज्योग्राफी की नॉलेज से ही पता चलेगा ये चीज़। साइंस न्यूट्रिशन, यानी खाने पीने का जो साइंस का न्यूट्रिशन है वो भी इंसानों को पता चले, ताकि वो जो अपनी जो खाने का जो तरीक़ाकार है, ताकि वो उसको बीमारी जो होती है खाने की वजह से लाइक फूड पॉइजनिंग हो गया वो उनको नहीं होगी। तो वह अपने हेल्थ का भी ख्याल रखेगा। तो इसलिए फ़र्ज किया गया मुसलमानों को कि उनको एक स्पेसिफिक फील्ड तक महदूद नहीं रखना अपने आप को, जितना हो सके उनको फैलना है, जितने हो सके उनको नॉलेज हासिल करना। इसी वजह से अगर आप नोटिस करें कि जितने मुसलमान साइंसदान हैं उन्होंने डिफरेंट फील्ड्स ऑफ नॉलेज में बहुत सारे काम किए। जाबा में है यहाँ ले लेते हैं, उससे फिजिक्स में भी काम किया, केमिस्ट्री में भी काम किया, बायो में भी काम किया। अल-बिरूनी ले लेते हैं, जोग्राफी में काम किया, म्यूजिक में काम किया, फिलोसफी में काम किया। यानी जितने मुस्लिम साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये चीज़ पर उन्होंने फोकस किया कि उन्होंने अपने नॉलेज को एक ही फील्ड के अंदर महदूद नहीं किया, उन्होंने अपने आप को पूरे हर तरह की फील्ड के अंदर उन्होंने अपने आप को कुछ ना कुछ उसमें से सीखा उन्होंने। It is also the requirement of Islam that they should earn their livelihood through lawful means. और इसी तरह से इस्लाम के अंदर ये भी फ़र्ज़ किया गया है कि जो अपना कमाते हैं वो भी हलाल कमाई से कमाया जाए। Economics should therefore also be given due importance. इसी वजह से हलाल कमाई सीखने के लिए कि हलाल किस तरह कमाया जाता है इस तरह से, और फिर फाइनेंसिंग कैसे की जाती है, यानी सेविंग कितनी करनी है, हमें खर्च के लिए कितना परसेंटेज हमें अलग करना होगा, इस तरह की जो सारी चीज़ें होती है वो इकोनॉमिक्स में पढ़ी जाती है। इसलिए इकोनॉमिक्स को भी बहुत ज़्यादा अहमियत देनी चाहिए। इन द होली कुरान अल्लाह सेज़ अमंग हिज डिवोटीज दोज ट्रूली फेयर अल्लाह हु हैव नॉलेज। अमंग हिज डिवोटीज यानी खुदा के जो बंदे हैं, ये जो इबादत गुजार हैं, डिवोटीज यानी जो बहुत ज़्यादा इबादत करते हैं उनको डिवोटीज कहा जाता है। दोज ट्रूली फेयर अल्लाह हु हैव नॉलेज, जो खुदा से सच में डरते हैं, जो खुदा का खौफ रखते हैं, वो इल्म हासिल करते हैं। यानी जो इल्म को अहमियत नहीं देता वो सिर्फ ज़बान से खुदा का खौफ करता है, वो दिल से या एक्शन से नहीं करता उसके, यानी वो समझ लें एक तरह से मुनाफिक हो गया, क्योंकि वो अपने जब खुदा कह रहा है कि जो मुझसे खौफ करता है वो इल्म ज़रूर हासिल करेगा, जब वो इल्म हासिल नहीं करे यानी खुदा से खौफ नहीं रख रहा। वो यहाँ पे कुरान के अंदर भी बता दिया गया है कि मोमिनों में से या इबादत गुजार में से जो खुदा से डरता है वो इल्म हासिल करेगा। अब ये हदीस है, इफ़ यू लिसन टू इवन अ सिंगल वर्स रिसाइटेड बाय मी कन्वे इट टू अदर्स, यानी कि नबी ने कहा लोगों को कि अगर तुमने मुझसे एक आयत ही क्यों ना सुन ली हो, अगर मुझसे नबी ने अगर एक आयत ही सुनाई हो तो भी वो पैगाम दूसरों तक पहुंचाओ। यानी इल्म हासिल करना भी हम लोगों पे फ़र्ज़ किया गया, इल्म को फैलाना भी हम पे फ़र्ज़ किया गया। ठीक है, ऑन द ओकेजन ऑफ हिज लास्ट पिलग्रिमेज द होली प्रॉफिट सेड, जो खुतबा हजतुल विदा है, यानी लास्ट पिलग्रिमेज यानी कि आखिरी हज, पिलग्रिमेज इज हज। ठीक है, जो लास्ट हज जो होली प्रॉफिट ने किया था जिसमें उन्होंने खुतबा दिया था, उन्होंने ये भी फरमाया, वन हु इज प्रेजेंट यू शुड कन्वे माई टीचिंग्स टू द पीपल हु इज नॉट हियर, जो यहाँ मौजूद है, जो यहाँ मौजूद है, यानी इस वक्त जो उस मैदान मौजूद थे लोग खुतबा हजतुल विदा के दौरान, उनको कहा गया था कि जो यहाँ पे गैर मौजूद है उनको मैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है उन तक ये पैगाम पहुँचा दो कि जो भी मैंने फरमाया है, क्योंकि आखिरी खुतबा आखिरी हज था उनका। उन्होंने बताया कि जो मैंने यहाँ पे अहकामात पहुँचाए हैं बताए हैं वो दूसरे तक पहुँचा दो जहाँ मौजूद ना हो। यानी इल्म हासिल करना एंड फैलाना दोनों मुसलमानों में फ़र्ज़ किया गया है। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एज फॉर एक्वायरिंग नॉलेज, यानी कि उम्र का लिहाज नहीं है, आप किसी भी उम्र में हासिल कर सकते हो। ठीक है, अगर आप बूढ़े क्यों ना हो, आप जवान क्यों ना हो, अगर आप बेशक आप 13 साल के बच्चे हो और आपको 21 साल वाली जो है पढ़ाई करनी है, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप पे कोई जो है मना नहीं है, आप इल्म हासिल कर सकते हो। ठीक है, ही सेड एक्वायर नॉलेज फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, इसी वजह से नबी ने भी कह दिया कि इल्म हासिल करो फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। द होली प्रॉफिट ऑल्सो सेड अ बिलीवर नेवर लूजेस हिज डिजायर फॉर एक्वायरिंग मोर नॉलेज टिल ही रीचेस द पैराडाइज। यानी नबी ने फरमाया एक मोमिन इल्म हासिल करने की ख्वाहिश कभी भी नहीं खोता जब तक वो जन्नत में ना पहुंच जाए। यानी उसको एक मोमिन जानता है कि जन्नत पहुंचने के लिए उसको इल्म हासिल करना है, तो ये जो ख्वाहिश है कि उसके इल्म में इजाफा हो, ये ख्वाहिश कभी उसकी ख़त्म नहीं होती। ये डिज़ायर, ये ख्वाहिश, उसकी तमन्ना, ये कभी ख़त्म नहीं हुई। यानी एक मोमिन बनने के लिए, एक बिलीवर बनने के लिए, मुसलमान अलग चीज़ है, मुसलमान के ऊपर जो लेवल आता है वो मोमिन का आता है। तो एक मोमिन बनने के लिए आपके अंदर इल्म हासिल करने की ख्वाहिश ख़त्म नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ तक जो हमने किया दैट वाज एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज, यानी इल्म हासिल करना कि किस तरह से इस्लाम बताता है, ठीक, किस तरीके से इस्लाम ने डायरेक्शन दिए, किस तरह से, यानी नबी ने कौन कौन से अहकाम दिए, नबी ने क्या क्या फरमाया, नबी ने अपने एक्शन से क्या दिखाया, कुरान में क्या आया कि क्यों हमें इल्म हासिल करना चाहिए, ये तमाम चीज़ें आ गई। अब आ जाता है एक्सीलेंस ऑफ नॉलेज, यानी कि नॉलेज की बेहतरी, उसमें एक्सीलेंस, उसमें ऐसे क्या चीज़ जिसकी वजह से फ़र्ज किया गया ये। नॉलेज इज अ मीन्स टू ग्रेटनेस एंड एक्सल्टेशन, इल्म के थ्रू आप लोग ग्रेटनेस और एक्सल्टेशन यानी बहुत ऊंचे मकाम पहुंच सकते हैं। Those who have knowledge are closer to Allah, जिनके पास इल्म होता है वो अल्लाह के करीब होते हैं। खुदा के करीब अगर आना है, खुदा से कनेक्ट होना है, तो you have to acquire knowledge. A learned person and an ignorant man are not equal in the eyes of Allah. The Holy Quran says, "Can those who know and those who do not know be equal?" यानी खुदा के नज़र में एक पढ़ा लिखा आदमी और एक जाहिल आदमी दोनों इक्वल नहीं है। यहाँ तक कुरान में कह दिया है क्या जो जानते हैं और नहीं जानते क्या बराबर है, यानी खुदा के नज़र में जो लर्न मैन है, जिन्होंने इल्म हासिल किया है, वो खुदा के नज़र में ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत जो इग्नोरेंट है, जो जाहिल है। इन रिगार्ड टू द पीपल हु आर एनलाइटेंड विद फेथ, द होली कुरान सेज, अल्लाह विल एक्सॉल्ट दोज हु बिलीव अमंग यू एंड दोज हु हैव नॉलेज टू हायर रैंक्स। खुदा उनको एग्जॉल्ट यानी बेहतर मकाम, बेहतर दर्जा देगा जो मुझ पर यकीन करता है, यानी खुदा पे जो यकीन करता है, जो बिलीव करता है, उनको बेहतर मकाम देगा। और किसको देगा? एंड दोज हु हैव नॉलेज, और जिसके पास इल्म है। दोनों को इक्वल लेवल पर रखा गया कि जो खुदा पे यकीन करेगा और जो इल्म हासिल करेगा, दोनों को हायर रैंक्स मिलेंगे। यानी इतना उन्होंने, खुदा ने इसको इतनी अहमियत दी है। वंस द होली प्रॉफिट इंटर्ड अ मॉस्क, इन द मॉस्क देवर टू ग्रुप्स। नबी एक दफ़ा मस्जिद में दाखिल हुए, उस मस्जिद के अंदर दो ग्रुप बैठे हुए थे। वन ग्रुप इंक्लूडेड मैन हु वर रिपीटेडली इन्वोकिंग अल्लाहस नेम। एक ग्रुप ऐसा था, दो ग्रुप बैठे हुए थे, दो अलग अलग तरफ मस्जिद में। एक ग्रुप लगातार अल्लाह के जिक्र का, इन्वोकिंग यानी जिक्र करना, अल्लाह का नाम के जिक्र कर, जैसे हम लोग अक्सर जो है रमज़ान के दौरान बहुत ज़्यादा जिक्र करते हैं, तस्बीह पढ़ते हैं, सब कुछ। तो वो सारे इन्वोकिंग अल्लाहस नेम यानी अल्लाह को याद कर रहे थे, अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। The other group included men who had taste for learning and acquiring more knowledge. जो दूसरा ग्रुप था, उनके बीच में जो है लर्निंग चल रही थी, यानी वो जो है इल्म हासिल कर रहे थे। हो सकता है कोई डिस्कशन चल रही हो नॉलेज की, किसी बारे में, किसी टॉपिक के बारे में नॉलेज डिस्कशन चल रही हो, ठीक है। तो यानी एक तरफ क्या था कि खुदा का जिक्र इलाही चल रहा था, और दूसरी तरफ इल्म हासिल करने का प्रोसेस चल रहा था। हो सकता है तबलीग चल रहा हो सकता है कि कोई क्लास चल रही हो, क्योंकि ऑफ कोर्स होली प्रॉफिट खुद भी क्लास लेते थे अपने वक्त में, मस्जिद के अंदर ही उनकी क्लास होती थी, ठीक है। तो वो क्लास ले रहे हो, नॉलेज फैलाने वाले काम कर रहे हो। तो यानी बेसिकली ये था कि एक तरफ जो है हुकूक़ुल्लाह चल रहा था, एक तरफ हुकूक़ुल-इबाद चल रहा था। तो होली प्रॉफिट प्रेज द टू ग्रुप्स एंड देन पार्टिसिपेट इन द गैदरिंग, द मेंबर्स ऑफ विच वर शोइंग इंटरेस्ट इन लर्निंग एंड एक्वायरिंग नॉलेज। यानी नबी ने दोनों की तारीफ से की, लेकिन वो उस तरफ, उस ग्रुप के साथ जाके बैठे जहाँ पे लर्निंग चल रही थी। पार्टिसिपेटेड इन द गैदरिंग द मेंबर्स ऑफ विच वर शोइंग इंटरेस्ट इन लर्निंग एंड एक्वायर नॉलेज, यानी वहाँ जाके उन्होंने बैठे जहाँ पे लर्निंग का प्रोसेस चल रहा था, जहाँ पे इल्म हासिल करने का प्रोसेस चल रहा था, जिक्र इलाही वाले ग्रुप में नहीं बैठे थे वो। द होली प्रॉफिट कमेंटेड दैट द सेकंड ग्रुप वाज बेटर देन द फर्स्ट ग्रुप, और फिर फरमाया नबी ने कि जो सेकंड ग्रुप है, जो इल्म हासिल कर रहा है, वो इंसान जिक्र इलाही करने वालों से बेहतर है, यानी कि हुकूकुल्लाह से बेहतर है उनसे, ठीक है। यानी उन्होंने यहाँ पे अपने हदीस में बता दिया कि जो लोग इल्म हासिल करते हैं वो सिर्फ उन लोगों से बेहतर हैं जो सिर्फ बैठे बैठे जिक्र इलाही कर रहे हों, जो अल्लाह का नाम पढ़ रहे हों, जो तस्बीह पढ़ रहे हों। उनसे बेहतर वो लोग हैं जो इल्म हासिल कर रहे हैं, जो इल्म को पसंद करते, जो उनसे वो चाहते हैं कि उनकी नॉलेज में इजाफा हो। Once the Holy Prophet said, "Whenever you have chance to pass through the Paradise Garden, you should take full advantage of them." एक दफ़ा नबी ने फरमाया कि कभी तुम अगर जो है जन्नत के बाग से गुजरो तो उनसे पूरा फायदा उठाया करो। The companions of the Holy Prophet asked, "What are the paradise garden?" सहाबा ने पूछा कि ये जन्नत की बाग क्या है, कौन है जन्नत की बाग। These are the gatherings of learning. ये वो गैदरिंग्स है, ये वो ग्रुप है जहाँ पे लर्निंग चलती है, जहाँ पे जिस ग्रुप में जिस लोगों के बीच में लर्निंग चल रही हो, नॉलेज चल रहा हो, नॉलेज का प्रोसेस चल रहा हो, उस ग्रुप को जन्नत का बाग का लक़ब मिला हुआ है, यानी वो लोग पहले से जन्नत के बाग कहलाए गए हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग इज एविडेंट फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रेडिशंस। अब उन्होंने यहाँ पे कुछ अहादीस बताए हैं जिससे हमें नॉलेज का और लर्निंग का उन्होंने इम्पोर्टेंस बता दिया है। सीक नॉलेज, सीकिंग नॉलेज इज अ वर्च्यू। इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करना सवाब है। The desire for knowledge is devotion to Allah. इल्म हासिल करने की ख्वाहिश खुदा से मोहब्बत की प्रूफ देती है। To be busy in seeking knowledge is to glorify Allah. इल्म हासिल करने में मसरूफ होना खुदा की हम्दो सना करता है, यानी अगर आप नॉलेज हासिल कर रहे हो, इल्म हासिल कर रहे हो, आप खुदा की हम्द सना करो। कैसे? क्योंकि आप जो इल्म हासिल कर रहे हो वो तो आप इसी दुनिया के हिसाब से कर रहे हो ना, इसी जो खुदा ने मखलूक़ात बनाए, जो खुदा ने कायनात बनाई है, आप उसी के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हो। तो आप जितना इंफॉर्मेशन खुदा के मखलूक़ात के बारे में, खुदा के खल्क के बारे में, जो भी उन्होंने खल्क किया है, कायनात के वक्त आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, उसके बारे में नॉलेज ले रहे हो, तो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको हैरान करेंगी, जो आप जो है क्या होगा, आप कहोगे वाह या खुदा या माशाल्लाह बोलोगे आप उस चीज़ में। तो आप खुदा की हम्दो सना करोगे कि खुदा ने कैसे बना दिया। लाइक तो आप आसमान देख लो, इंसान जितना भी कोशिश कर ले वो छत जो है बगैर किसी पिलर के, बगैर किसी दीवार के खड़ी नहीं कर सकता, लेकिन खुदा ने बगैर किसी दीवार के, जो बगैर किसी पिलर के आसमान को पकड़ा कर दिया हमारे। तो जब आप नॉलेज हासिल करते हो तो इस तरीके से चीज़ों से आप हैरान हो जाते हो, उस चीज़ों से तो आप खुदा की तारीफ़ करते हो। तो यानी कि इल्म हासिल करने में जो मसरूफ़ होता है वो असल में खुदा की हमदो सना कर रहा है। इसी वजह से जो लोग बैठे बैठे सिर्फ तस्बीह पढ़ रहे थे, जिक्र इलाही कर रहे थे, खुदा का नाम ले रहे थे, उनसे बेहतर इल्म हासिल करने वालों के ग्रुप को कहा गया है। एंड टू डिस्कस द मैटर ऑफ लर्निंग इज टू मेक अ स्ट्रगल इन इस वे। और डिस्कस करना यानी कि इल्म को फैलाना, या फिर आप किसी एक ग्रुप में बैठ के डिस्कस कराएगा, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी, दूसरे बंदे ने कहा नहीं ऐसा है, यानी आपने इल्म तो आपने बता दिया। कभी कभी क्या होता है, आप किताब पढ़ते हो, आपने अपने इल्म के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से वो चीज़ समझ ली, लेकिन हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए आपकी। तो अगर कोई आप बंदा आपको दूसरे बंदा आप ऐसे ग्रुप में बैठे हो जहाँ पे डिस्कशन चल रही है, ठीक है, जिस तरह की डिस्कशन जो है, जब आप इल्म हासिल करो किसी ग्रुप में ऐसे बैठे हो तो आप असल में जिहाद कर रहे हो, ठीक है, यानी इतनी उन्होंने अहमियत दी है। टू इम्पार्ट नॉलेज टू अदर्स इज टू मेक सेक्रीफाइस इन द वे ऑफ अल्लाह। दूसरों को इल्म देना, इल्म फैलाना खुदा के राह में कुर्बानी देना जैसा है, ठीक है, यानी खुदा के राह में जो कुर्बानी हम देते हैं वो इल्म दूसरों को फैलाते हैं, वो भी उसी के बराबर आ जाता है। नॉलेज इज अ कंपेनियन इन लॉन्लीनेस, अ गाइड इन पॉवर्टी एंड प्रोस्पेरिटी, अ सिंपथाइजिंग फ्रेंड एंड बेस्ट कंपेनियन एट ऑल टाइम्स। नॉलेज लॉन्लीनेस, अकेलेपन में आपका साथी होता है, पॉवर्टी और प्रोस्पेरिटी में, गुर्बत में और अमीरी में आपका गाइड होता है, आपको डायरेक्शन देते हैं। लाइक आप गुर्बत में हो तो किस तरीके से आप गुर्बत से निकल सकते हो, प्रॉस्पेरिटी में हो, अमीरियत में हो तो किस तरह से उसको मेंटेन कर सकते हो, किस तरह से अपने आप को गुरूर में नहीं डालना वो सीख सकते हो। अ सिंपथाइजिंग फ्रेंड यानी कि आपका एक दोस्त है, एंड द बेस्ट कंपेनियन एट ऑल टाइम्स, आपका बेहतरीन साथी है। नॉलेज लीड्स मैन टू पैराडाइज, इल्म इंसानों को जन्नत तक लेके जाता है, ठीक है। तो यानी इस हदीस से प्रूफ किया जाता है कि सिर्फ मुसलमान जन्नत में नहीं जाएंगे, वो तमाम लोग जन्नत में जाएंगे जो इल्म हासिल करेंगे, ठीक है। अल्लाह एग्जॉल्ट्स नेशन थ्रू नॉलेज, खुदा जो है कौम को इल्म के थ्रू बेहतर करता है, बढ़तरी देता है। यानी कि आप जितने भी कौम देखेंगे जो सुपर पावर्स कहलाते हैं, वो सुपर पावर्स इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने नॉलेज की अहमियत को जाना और नॉलेज की अहमियत पर काम किया। उन्होंने जो नॉलेज की अहमियत पे काम नहीं करते, जो नॉलेज की अहमियत नहीं देते, जहाँ पे नॉलेज की अहमियत नहीं होती, जिन कौमों में खुदा उस कौम को इज्जत नहीं देता, इज्जत यानी लोगों के नज़र में इज्जत नहीं होती है ऐसी कौमों की। पीपल फॉलो द पर्सन हु आर नॉलेजेबल, लोग उनको फॉलो करते हैं जिनके पास इल्म होता है। एवरी ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड प्रेज फॉर द सल्वेशन ऑफ अ लर्नड मैन, दुनिया के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट बेजान चीज़ें हैं वो एक लर्न मैन, एक पढ़े लिखे आदमी के सेल्वेशन के लिए दुआ करता है। सेल्वेशन मतलब उसके मगफिरत के लिए कि क़यामत के दिन उसको कोई खरोच या कोई उसके ऊपर कोई मतलब एक मुसीबत नहीं आए, उसकी सेल्वेशन के लिए, उसकी मगफिरत के लिए, उसकी बेहतरी के लिए, उसके मुसीबत ताकि उसके ऊपर ना आए, उसके लिए वो दुआ करते हैं। लर्निंग इज लाइफ फॉर द हार्ट्स एंड विजन फॉर द ब्लाइंड। इल्म हासिल करना दिल के लिए जिंदगी है और अंधों के लिए रोशनी है। नॉलेज इज एन एनर्जी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी। इल्म एनर्जी और कुवत होती है बॉडी की। इट इज थ्रू नॉलेज, इट इज थ्रू लर्निंग दैट मैन हैज एक्सल्टेड मोर देन एन एंजल्स। इल्म के वजह से, क्योंकि इंसानों के अंदर इल्म हासिल करने की कुवत है, इसी वजह से जो फरिश्ते हैं, तमाम फरिश्ते जो है लेवल में, रैंक में इंसान से नीचे आते हैं। द रिवॉर्ड फॉर डेलीब्रेशन वाइल लर्निंग इज इक्वल टू दैट फॉर फास्टिंग। यानी इल्म हासिल करते वक्त जब आप डेलीब्रेट करते हो, यानी बहुत केयरफुली थिंक करते हो, बहुत जांच पड़ताल करते हो, तो उसका जो सवाब है वो रोज़े रखने के बराबर है। ओनली अ नॉलेजेबल पर्सन कैन परफॉर्म हिज प्रेयर्स विद ट्रू डिवोशन टू अल्लाह। सिर्फ वो इंसान जिसके पास इल्म हो, उसकी जो नमाज होती है वो खुदा से मोहब्बत का होता है। क्यों? क्योंकि एक इंसान जिसके पास इल्म है, उसने खुदा की खल्क की हुई तमाम चीज़ों को जायज़ा किया है, उसको जांच पड़ताल किया, उसके बारे में नॉलेज इन्फॉर्म हासिल किया है, तो वो हैरान होता है इस चीज़ में। लाइक लेट्स सपोज एग्जांपल ले लेते हैं कि एक इंसान जिसके पास इल्म नहीं है और एक दूसरा इंसान जिसके इल्म है, उसे ये मालूम है कि जब भी आप छींकते हो तो असल में आपको उस पल के लिए मौत आ जाती है। यानी कि जब आप स्नीज करते हो, कफ स्नीज जो करते हैं, छींकते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है, आपकी जो दिल की धड़कन होती है वो बंद हो जाती है, परमानेंटली बिल्कुल स्टॉप हो जाती है वो। यानी वो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल स्लो धड़कन आती है, बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। तो उस वक्त जब आप छींक रहे होते हो, आपको डेथ यानी आप उस वक्त मौत से गुजर रहे होते हो। तो जिस बंदे को चीज़ मालूम है तो वो, इसलिए हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। यानी खुदा ने हमारे जो है ज़िंदगी, दूसरी ज़िंदगी दी, उन्होंने हमारी जान नहीं ली तो हमारी दूसरी ज़िंदगी दी, इसी वजह से छींकने के बाद हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। ठीक है, तो इसी जब एक इंसान को चीज़ मालूम है कि हमारे दिल की धड़कन बंद हो गई फिर भी हम जिंदा हैं, उसकी बात छींकने के फ़ौरन बाद हमारे दिल की धड़कन शुरू हो जाती है, तो इस टाइप की चीज़ें वो हैरान हो जाता है कि खुदा ने किस तरह का सिस्टम बनाया हुआ हमारा। ठीक है, तो इस तरह की जब नॉलेज इंसान हासिल करता है तो वो खुदा के काफ़ी सारी चीज़ों के से हैरान आता है। तो हम तो सना करता है उसके बारे में कि वाह खुदा तूने कैसा बनाया है ये। तो जब वो नमाज अदा करता है तो उस नमाज में खुदा के लिए बहुत ज़्यादा एक ट्रू मोहब्बत होती है उसके अंदर। ठीक है, तो इसी वजह से सिर्फ एक इंसान जो इल्म जिसके पास होती है उसी बंदे है इल्म, इन द सेंस कि वो सिर्फ किताबों की नहीं, एक किताब को नहीं देख रहा, वो काफ़ी सारी किताबों को देख रहा है, वो अपना जायज़ा भी कर रहा है, वो अपने सवालात भी पूछ रहे थे, सवालात के जवाब भी ढूंढ रहा है वो। तो ऐसा इंसान जब नमाज अदा करता है तो उस नमाज के अंदर खुदा के लिए बहुत सारी मोहब्बत होती है, सच्ची मोहब्बत होती है उसके अंदर। इट इज़ थ्रू नॉलेज दैट मैन कैन डू जस्टिस विद द राइट्स ऑफ अल्लाह एंड ह्यूमन बींग्स। अगर इंसान के पास इल्म है तो फिर वो हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह दोनों के साथ जस्टिस करेगा, किसी का हक नहीं खाएगा। अगर किसी का हक खा रहा है तो यानी उसके पास इल्म नहीं है, उसके पास जो इल्म है वो फजूल है क्योंकि वो इल्म पे अमल नहीं कर रहा। नॉलेज लीड्स मैन टू परफॉर्म एन एक्शन। अब नॉलेज क्या होता है, इल्म होगा तो इंसान एक्शन लेगा। लेट्स फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि अक्सर हम लोगों ने बचपन में सुना हुआ है कि मुसलमानों को जो है कुछ पल के लिए जो है जब क़यामत आएगी तो वो कुछ पल के लिए जन्नत जहन्नुम जाएंगे, अपने गुनाह वहाँ पे वो भुगतेंगे, उसके बाद वो जन्नत चले जाएंगे। ठीक है, ऐसे हमने बचपन में सुना होगा, अक्सर लोगों ने सुना है ये सारी चीज़ें बचपन में अपने। ठीक है, ले लेते हैं हम एग्जाम्पल सूरह बकरा आयत नंबर 80। ठीक है, अब सूरह बकरा आयत नंबर 80 में फरमाते हैं कि और बोले हमें तो आग ना छुएगी मगर गिनती के दिन, तुम फरमा दो क्या खुदा से तुमने कोई अहद ले रखा है जो जब तो अल्लाह हरगिज़ अपने अहद खिलाफ नहीं करेगा, या खुदा पर वो बात कहते हैं जो जिसका तुम्हें इल्म नहीं। इसको आसान में कह देते हैं और कहते हैं कि दोज़ख की आग हमें चंद रोज़ के सिवा छूहे ही नहीं सकेगी। इनसे पूछो क्या तुमने खुदा से इकरार ले रखा है कि खुदा अपने इकरार के खिलाफ नहीं करेगा, नहीं बल्कि तुम खुदा के बारे में ऐसी बातें कहते हो जिनका तुम्हें मुतल्लिक इल्म नहीं, यानी कि इसमें यह है कि जो हम लोगों को बताई जाती है बचपन से बात कि हम लोगों को जो है जहन्नुम की आग कुछ पल के लिए, कुछ गिनती के दिन के लिए टच करेगा और फिर हम लोग वापस जो है जन्नत भेज दिए जाएंगे, तो ये बात झूठ है, क्योंकि ये तो कुरान के सूरह बकरा आयत नंबर 80 में कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो जिस बंदे को इल्म नहीं है वो इस खुश फहमी में बैठा हुआ होगा, जबकि कुरान बार बार कह रहा है, नबी ने बार बार फरमाया कि इल्म हासिल करोगे तो जन्नत में जाओगे। तो जो बंदा इल्म हासिल नहीं करेगा उसे इस बात का इल्म नहीं होगा कि ये जो हम लोगों को बचपन सुनाई गई बातें हैं ये तो बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी वजह से जब इंसान को इल्म का पता होता है तो उसको जो क्या होता है कि वो इल्म जब हासिल करता है तो उसको गलत और सही के बीच में फ़र्क का पता चलता है। जब सही और गलत के बीच में फ़र्क पता चल जाता है तो उसको खुद वो अपना डिसीजन ले सकता है। यानी लेट्स सपोज अगर वो अंधाधुन उस बंदे पे यकीन कर ले जिसने कहा था कि जो है वो हमें जन्नत भेजे, जन्नत जो मुसलमानों में फ़र्ज है और जो है ये जहन्नुम जो हम लोग कुछ दिन के लिए जाएंगे, तो अगर हम लोगों ने कुरान बात तर्जुमा नहीं पढ़ा होता तो हम लोग इस बात का इल्म ही नहीं होता, हम करेक्शन नहीं कर पाते कि हम अपने नॉलेज में, तो उसके ऐसा होता है एक्शंस नहीं सुधार पाते। अभी हमें पता है कि हम लोगों का जो है हम लोगों का भी बाकायदा जायज़ा लिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग जन्नती हैं सबके साथ, ठीक है। तो हम लोग अपने एक्शंस को सुधारेंगे। अब हम लोग बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे अपने एक्शंस के थ्रू, क्योंकि हमें पता है कि कोई गारंटी नहीं कि हम लोग जन्नती हैं। तो इसी ऐसे नॉलेज क्या करता है कि इंसान को एक तरह से फ़र्ज कर देता है एक्शन करने पे। वो अपने इल्म जब वो हासिल करता है तो वो अपने इल्म पे फिर अमल करना शुरू कर देता है। ब्लेस्ड आर द पर्सन हु एक्वायर नॉलेज एंड अनफॉर्चुनेट आर दोज हु हैव नो एक्सेस टू नॉलेज। जिनके पास इल्म हासिल करने का तरीका है, प्रोसेस है उनके पास, या उनके पास फैसिलिटी है इल्म हासिल करने के लिए, वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है, बहुत लकी हैं, बहुत खुश नसीब हैं। जिनके पास एक्सेस नहीं है वो बहुत ज़्यादा अनलकी, अनफॉर्चुनेट है, बदकिस्मती उनकी है। इस्लाम आस्क द बिलीवर्स टू सेट ऑफ फॉर सीकिंग नॉलेज एंड एक्वायर्ड फ्रॉम ऑल सोर्सेज। इस्लाम मोमिनों से कहता है कि इल्म हासिल करने के लिए घर से निकलो और हर तरह के सोर्सेज से इल्म हासिल करो। यानी इसमें कभी भी इस्लाम नहीं कहता कि इससे मुसलमानों से इल्म हासिल करो। इस्लाम तो कहता है कहीं से भी आपको इल्म मिल रहा है कहीं से भी आप हासिल कर लो। यानी नबी जब खुद कह रहा है आपसे कि चीन ही क्यों जाना पड़े, अब इस्लाम तो चीन नहीं पहुंचा था उस वक्त, जब वो खुद कह रहे हैं नबी के इल्म के लिए आप चीन जाओ, या गज़वा बदर में उन्होंने जो है 10 मुसलमान बच्चों को कहा कि आप लोग जो है गैर मुस्लिम से जो है इल्म हासिल करो। तो ऑफकोर्स इसका मतलब यही है ना कि आपको इस चीज़ का लिहाज रखना ही नहीं है कि सामने वाला बंदा किस मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, किस मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, किस फिरके से ताल्लुक़ रखता है। आपको इल्म हासिल करना है क्योंकि ये आप पे फ़र्ज़ किया गया, आपको घर से निकल के इल्म हासिल करना है, ठीक है। The excellence of knowledge is proved by the fact that in the history of mankind, only the nation which was superior in knowledge and performance dominated the other nations of the world. Excellence, knowledge की बढ़तरी कैसे प्रूव होती है? आप तारीख की किताबें उठा के देख लो, हमेशा उसी कौम ने सल्तनत कायम की है जिसके पास इल्म हो। समझने पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप लोगों ने हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, बायोफिजिक्स में पढ़ा हुआ है के जो है मुसलमानों ने बहुत सारे जो है साइंसदान थे, उन्होंने डिफरेंट नॉलेज फील्ड्स ऑफ नॉलेज में उन्होंने काम किया था। तो उन दौरान अगर उसी इरा में आप चेक करेंगे हिस्ट्री की बुक्स, उसमें आप देखेंगे कि मुसलमानों की बहुत सारी सल्तनत थी, ठीक है। उमैयद सल्तनत थी, अब्बासिद सल्तनत थी, फातिमिद सल्तनत थी, ठीक है। और इसके अलावा जैसे सुतलज थी, स्लेव डायनेस्टी है हमारे पास, ये बहुत सारी सल्तनत उन दौरान जब ये काम चल रहा था, उन दौरान ये अब्बासिद सब कुछ सारे हमारी जो सल्तनत सबसे बड़ी सल्तनत जो थी सब मुसलमानों की थी। जब मुसलमानों ने जो है इस्लाम नॉलेज को, इल्म को अहमियत देना छोड़ दिया तो आहिस्ता आहिस्ता उनके ऊपर दूसरे हुक्मरान आने लगे, लेकिन वो हुक्मरान आने लगे जिन्होंने इल्म को अहमियत दी। जो इल्म की अहमियत होनी चाहिए, जो इल्म की अहमियत मिलनी चाहिए, वो इल्म की अहमियत अगर उसको मिल जो कौम देगा वही सल्तनत कायम कर लेगा। अभी देख लें जो सुपर पावर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एडवांस है नॉलेज के मामले में, उनकी एजुकेशनल सिस्टम, उनकी लिटरेसी रेट हमसे बहुत बेहतर है, तभी वो इस वक्त सुपर पावर्स हैं। इट वॉज ऑन दिस वेरी प्रिंसिपल दैट हज़रत आदम डोमिनेटेड द एंजल्स एंड दे वर ऑर्डर्ड बाय अल्लाह टू प्रोस्ट्रेट देमसेल्फ बिफोर हिम। इल्म के वजह से हज़रत आदम को तमाम फरिश्तों के ऊपर रखा गया, डोमिनेट किया गया, यानी कि उनसे बेहतर करार दिया गया, ठीक है। डोमिनेट का मतलब है किसी से बेहतर करार देना। एंड दे वर ऑर्डर्ड बाय अल्लाह टू प्रोस्ट्रेट देमसेल्फ बिफोर हिम। इसी वजह से उसको तमाम फरिश्तों को, तमाम फरिश्ते, जिन्नात, तमाम मखलूक़ात को हुक्म दिया गया कि हज़रत आदम के सामने सजदा करो। ओविंग टू नॉलेज and excellent performance, the Muslim became overpowerful all over the world. और जब तक मुसलमानों के पास इल्म था, जब तक उन्होंने इल्म के पे काम किया, तब तक मुसलमान दुनिया पे राज कर रहे थे. But when they set aside the teachings of the Holy Quran and got away from the light of knowledge, और जब मुसलमानों ने कुरान को छोड़ दिया, इल्म को वो अहमियत नहीं दी, they were led to downfall. और आहिस्ता आहिस्ता उनकी तमाम सल्तनतें, जितने भी सल्तनतें दुनिया के अंदर, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लग गई थी. इस वक्त देख लें मुसलमान की इतनी कोई बड़ी सल्तनत नहीं है क्योंकि इल्म इतना नहीं हासिल कर रहे थे, इल्म को वो अहमियत नहीं दे रहे जो देनी चाहिए थी, जो कुरान हमें कह रहा है, जो कुरान ने हम पे फ़र्ज़ किया है इल्म हासिल करने के लिए. वन ऑफ द फेवरेट प्रेयर्स ऑफ द होली प्रॉफिट वाज, जो नबी के बहुत सारे ऑफ कोर्स फेवरेट प्रेयर्स थे, जैसे रब्बी ज़िदनी इल्मा है और बनाती नफुद्दीन या हसनतों, वो उनमें से एक जो है फेवरेट प्रेयर ये भी था उनका, ओ गॉड आई प्रे टू थी टू ब्लेस मी विद अ यूज़फुल नॉलेज. या अल्लाह मैं आपसे दुआ मांगता हूँ कि मुझे मेरे काम के इल्म से हासिल फरमाए. यानी नॉलेज यूज़फुल भी होते हैं, कुछ यूजलेस भी होते हैं जो हमारे काम के नहीं होते. जैसे नबी जब दुआ मांगते थे कि मुझे इल्म दें, तो उस वक्त ये भी कहते थे कि मुझे यूज़फुल नॉलेज, ऐसा इल्म दें जो मेरे काम का है, जिसमें मैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकूँ. द फॉलोइंग वॉज ऑल्सो वन ऑफ द प्रेयर्स इन्वोक्ड बाय द होली प्रॉफिट. ओ गॉड make the knowledge you have given us useful for us and bless us with the knowledge that may benefit us. या अल्लाह जो मुझे इल्म मिल चुकी है वो मेरे काम में ला, और जो इल्म मुझे मिलने वाली है वो मेरे काम में आ जाए, बेनिफिट हो, मेरा उससे फ़ायदा हो. यानी नॉलेज होना, इल्म होना इतनी बड़ी बात नहीं है, नॉलेज को अमल में लेके आना, उससे फ़ायदा उठाना, वो हमें सही से करना है. We pray that Almighty Allah may bless us with knowledge and enable us to practice it and impart it on us. हम दुआ मांगते हैं कि खुदा हमें इल्म दे और हमें इस काबिल बनाए कि हम उस पर अमल कर सकें और दूसरों तक पहुंचा सकें. आमीन. इस चैप्टर के आपके पास 3 सवाल हैं. नंबर 1, कोर द टीचिंग्स ऑफ द होली कुरान इन रिगार्ड टू द ऑब्लिगेशन टू एक्वायर नॉलेज. कुरान के उन आयतों का आपको बताना है, लिखना है कुरान के आयतों का सूरा का नाम और आयत नंबर जिसमें इल्म हासिल करने पर फ़र्ज़ करार दिया गया, और तमाम आयतों का आपका जिक्र करना है. आप कम से कम 5 लिख लें, काफ़ी होगा. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज इन द लाइट ऑफ द साइंस ऑफ होली प्रॉफिट. इल्म हासिल करने की अहमियत नबी के अहदीस में से आपको बताना है. नबी कौन कौन से आज आपने ऊपर सारे अहदीस आपकी किताब में, उसमें से सिर्फ उन अहदीस को लिखना है आपको जिसमें यह बताया गया कि इल्म हासिल करना है. नंबर 3, कोट एटलीस्ट 5 ट्रेडिशन टू डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस एंड एक्सलेंस ऑफ नॉलेज. और नंबर 3 में आपको उन अहदीस का बताना है जिसमें इल्म हासिल करने का फ़ायदा बताया गया है कि हमें इल्म हासिल क्यों करना है. ठीक है, 2 और 3 तकरीबन सेम है. 2 में ये इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, उन अहदीस का आपको बताना है कि इल्म हासिल करना पे फ़र्ज़ किया गया है उसके हासिल. 3 में आपको ये बताना है दैट इल्म हासिल करना जो है हम लोगों उसकी जो इम्पोर्टेंस है उससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, नॉलेज क्यों हमें हासिल करना चाहिए. ओके, ये 3 क्वेश्चन हैं. Make sure to do it on your copy neatly. Okay, Allah Hafiz.